Assalamualaikum viewer, you're watching YouTube channel Daily Views of Pakistan और मैं आपका होस्ट उस्मान आजम सिद्दीकी। व्यूअर्स, कराची में कारसाज के मुकाम पर एक रोड एक्सीडेंट में जिसमें एक नशे में धुत लड़की ने प्राडो गाड़ी में बैठकर, लैंड क्रूजर में बैठकर नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए पांच लोगों को कुचल दिया, और जिसमें एक बाप अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी से वापस घर लेके आ रहा था और रास्ते में वो इस हादसे का शिकार हो गया, और जिसमें उस नशीली लड़की ने जो है वो गाड़ी जो है फुटपाथ पे बैठे लोगों पर भी चढ़ा दी और इस इनको भी टक्कर मार दी, जिससे पांच लोग मौके पे ही जान बहक हो गए। और उसके अलावा अपडेट ये है कि इस औरत को जहनी मरीज और पागल करार देने की पूरी कोशिश की गई ताकि इसको सज़ा से बचाया जा सके। मकतूलीन को दियत की ऑफ़र भी की गई, उनको पैसे भी ऑफर किए गए, और उसके अलावा जब ये इनको जिना अस्पताल मेडिकल के लिए लाया गया तो वहाँ पे डॉक्टर पे बहुत प्रेशर डाला गया उसको सोशल मीडिया के और मीडिया के अकॉर्डिंगली। वहाँ पर डॉक्टर को बहुत प्रेशर में लाया गया, उनको पैसे ऑफर किए गए, उनको धमकियाँ दी गई, और डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट में इसको पागल करार देने का कहा गया। लेकिन डॉक्टर चुन्नी लाल, जो कि नाम से शायद आपको लग रहा होगा एक नॉन मुस्लिम डॉक्टर हैं, गैर मुस्लिम हिंदू डॉक्टर हैं, इन्होंने हक और सच का साथ दिया और उस औरत को जहनी मरीज़ करार देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ना तो उसके जहनी मरीज़ होने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड था, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट्स थी, ना कोई प्रीवियस रिकॉर्ड था, और उसके अलावा उसके जो भी करंट चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो ऑनेस्ट जो है ओपिनियन दी उसके मुताबिक वो उसका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, वो नशे की हालत में ड्राइव कर रही थी। अब इस पर डिफरेंट चार्जेस लगते हैं, सेक्शन डिफरेंट दफात के तहत इन पर मुकदमा चलेगा, और इस अंजाम को, इस वाक़े को अंजाम तक पहुंचना चाहिए ताकि सोसाइटी में ऐसे वाक़ात को रोका जा सके और इनको सख्त से सख्त सजा दी जा सके। थैंक यू वेरी मच।